नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं। कोई भी काल ऐसा नहीं जिसमें समस्याएं न हों, किंतु ये स्वीकार करना होगा कि वर्तमान का युग, वर्तमान का विश्व समस्याओं से आक्रांत है, अधिक समस्याएं हैं। मनुष्य प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है और प्रकृति भी अपना रूप दिखाती है। प्राकृतिक समस्याएं भी है और उससे भी अधिक मनुष्य की प्रबल आकांक्षा और आकांक्षा जनित समस्याएं बहुत ज़्यादा है और उससे सारा वातावरण समस्यामय बना हुआ है। इस स्थिति में अपेक्षा है समाधान की। मैं मानता हूं कि अध्यात्म से अधिक कोई समाधान नहीं हो सकता। ह्यूस्टन में जैन विश्व भारती प्रेक्षा मेडिटेशन का सेंटर बना है, उसका लक्ष्य और कार्य हो कि जनता में अधिक से अधिक आध्यात्मिक चेतना के जागरण की प्रेरणा भरे, नैतिक मूल्यों के विकास का काम करे। आचार्य तुलसी के शब्दों में अणुव्रत, प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान ये तीनों एक हैं। उन्होंने रूपक की भाषा में कहा कि चावल का स्वाद अलग, चीनी का अलग और दूध का अलग, किंतु तीनों मिलते हैं, खीर बन जाती है, एक स्वाद हो जाता है। हमें एक स्वाद का काम करना है कि नैतिक मूल्यों का विकास भी हो, आध्यात्मिक विकास हो। और जैन दर्शन ने जो अनेकांत का सिद्धांत दिया है, आज विश्व के लिए सबसे ज्यादा समाधान देने वाला सिद्धांत है। उसके साथ अहिंसा, प्रशिक्षण और उपभोग विरति, भगवान महावीर का एक सिद्धांत, उपभोग का संयम, उपभोग कम करो, इन सब सिद्धांतों का एक समन्वय कर और सेंटर को काम करना है। और यह लक्ष्य रखना है कि अधिक से अधिक समाज की, विश्व की समस्याएं कम हो और मानव सुख शांति के साथ जी सके। समणी अक्षय प्रज्ञा, समणी विनय प्रज्ञा बहुत वर्षों से वहाँ है, बहुत श्रम किया है, निष्ठा के साथ काम किया है और ह्यूस्टन के श्रावकों ने भी, कार्यकर्ताओं ने भी, सब जाति के लोगों ने, सब संप्रदाय के लोगों ने मिलकर और जो एक बड़ा उपक्रम शुरू किया है, मुझे विश्वास है कि यह सेंटर केवल ह्यूस्टन में नहीं, अमेरिका में एक पथ दर्शक रहेगा और वहाँ की समस्याओं को सुलझाने में ऐसा योग देगा जिससे अमेरिका को ये भौतिक के पास से मुक्त कर आध्यात्मिक बनाए और फिर उसे कभी आर्थिक मंदी जैसी और संहार विप्लव जैसी समस्या का सामना न करना पड़े। ओम अर